हेलो स्टूडेंट्स, आज आप एक्सरसाइज करांगे 2.2। कल आप 2.1 की थी। पहला क्वेश्चन देखा जी, देखा की है कहना जे तहानू किसी संख्या विचों 1/2 घटाउण दे, नतीजे नू 1/2 नाल गुणा करन ते 1/8 प्राप्त हुंदा है, तां उह संख्या पता करो, उह संख्या की है। मतलब मैं तुहानू इत्थे ही दसदा, जे तुहानू किसे संख्या विचों उस संख्या नू आपां मान लैणा एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, एक्स विचों 1/2 घटाउण ते एक्स विचों घटा दो 1/2 घटा दिए, तो फिर कहिंदा इहनू अते नतीजे नू 1/2 नाल गुणा करदे, इहनू ही तुसीं गुणा कर दो कहिंदा 1/2 नाल, ठीक है। तो तुहानू करन ते 1/8 प्राप्त होंदा, 1/8 प्राप्त होंदा, मतलब ये बराबर रिजल्ट होंदा तुहाडे कोल 1/8, ठीक है, इदां होंदे आ तुहाडे कोल। इहनू कहिंदा सॉल्व करके उस संख्या की है कढ़ो, ठीक है। आपां की करना, मैं तुहानू दसदा, सब तो पहला आपां लेना है ना, मन लो संख्या बराबर एक्स, ठीक है, मान लो संख्या बराबर एक्स। हुण प्रश्न की शर्त अनुसार, प्रश्न की शर्त अनुसार, प्रश्न की शर्त अनुसार की किया, कहिंदा इस संख्या विचों 1/2 घटाउण ते आ 1/2 तुसी घटाता, फिर इहनू कहिंदा इस रिजल्ट नू गुणा करन ते 1/2 नाल, ठीक है, तुहाडा आंसर बन जांदा 1/8, ठीक है। तो संख्या पता करो, आप शर्त को लिख लिया कि शर्त उन्होंने सानू ये है, आप करना इन थोड़ा जहा हल करना, ठीक है। देखो ये की है, एक्स माइनस 1/2 इनू लिख लो, ठीक है, आ ब्रैकेट पाने की लोड़ नहीं, आप आओ बराबर इधर की है 1/8 रह के गया, तो आ जड़ा रह गया ना, आप इनू 1/2 परले पासे ला जाओ, ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਆਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ 1/2 ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ 1/2 ਗੁਣਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਗ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਗ, ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲਓ, ਆ ਲਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ, एक गुणा का उधर जाके बन जाना भाग का, यह आ गया तो एक्स माइनस 1/2 बराबर 1/8। देखो आप बटे वाली रकम की गुणा नहीं भाग नहीं होंगी, गुणा होंगी, गुणा करो, तो जो गुणा करनी हो पिछली रकम उल्टा कर दिया, यह हो जाना 2/1, ठीक है, 1 × 2 = 4 × 8, यह बराबर आ गया एक्स माइनस 1/2, इधर इधर आ गया 1/4, ठीक है, ताडा एक्स बराबर आ जाना, इनू लिखो 1/4, आ माइनस का 1/2 है ना जरा, इनू चक के उधर लै जाओ, प्लस का हो जाना 1/2, ठीक है, इन्हों का तुम जोड़ कर दौ, जोड़ करने का तरीका होंगे थले दोनों की गुणा 4 × 8, फिर क्रॉस गुणा 2 × 1 = 2, फिर 4 × 1 = 4, 4, यह आ गया 6/8, ठीक है। इनू कट्टो 2 के टेबल से 3 × 6, 4 × 8 3/4, थले ले देना, इसलिए संख्या बराबर है बराबर एक्स बराबर 3/4 आंसर, ठीक है। इनू कर लो तुसी नोट, ओके। हुण मैं तुहानू इहदा अगला क्वेश्चन सुणाउणा, इह हो गया इहदा, आपां अगला क्वेश्चन करांगे, देखो ध्यान नाल की लिखिया, कहिंदा एक आयताकार स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है आयताकार, ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई दे दुगने तों 2 मीटर ज़्यादा है। मैं नाल नाल तुहानू करके दिखाउंदा इहदा थोड़ा जिहा डेमोंस्ट्रेशन, पहला की है कहिंदा एक आयताकार की है स्विमिंग पूल, ठीक है,
हुण इहदी आ की होणी आ लंबाई, आ की होणी चौड़ाई, आ चौड़ाई ठीक है, ते आ जिहड़ी थल्ले वाली इह की होणी आ, आ जिहड़ी थल्ले वाली इहनूं आपां कहिंदे आ लंबाई है ना। हुण देखो लिखिआ की आ, कहिंदा किसे आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई दे दुगने तो 2 मीटर ज़्यादा है। उहदी कहिंदा जिहड़ी लंबाई आ ਉਹ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2x ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 2x ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो चौड़ाई बराबर एक्स ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी एक्स, हुण इहदी लंबाई कितनी आ गई है, लंबाई कितनी दित्ती है, इहनू बी लिख लो, इहनू लिख लो एल ठीक है। चौड़ाई लंबाई, लंबाई कहिंदा इहदी जिहड़ी चौड़ाई है कितनी एक्स, इहनू आपां अपने को मनना, इहदे दुगणे तों इहनू दुगणा करो, 2x हो गया, दुगना हो गया, ये तो किन्ना किन्नी वाध्या, देखो लिखा इतने मैं तुम दसा, इतने लिखा दुगने तो 2 मीटर ज़्यादा है, दुगने तो भी 2 मीटर ज़्यादा है, दुगने तो किन्ने मीटर ज़्यादा है, प्लस 2 कर दो ठीक है, एक्स मीटर तो ये लंबाई आ गई। हुण कहिंदा जेकर इसका परिमाप, देखो जेकर इसका परमाप 156 मीटर है तो इसकी लंबाई तो चढ़ाई दोनों पता करो। हम लंबाई चढ़ाई सूँ दी थोड़ी की दिता, परिमाप, परिमाप बराबर 156 मीटर, तो यदि कहना लंबाई चढ़ाई पता करो। आप लिखांगे प्रश्न की शर्त अनुसार, अनुसार की प्रश्न की शर्त अनुसार साढ़े को दिता आ परिमाप बराबर 156 मीटर ठीक है। पता लगा परिमाप का फार्मूला की होंगे, 2 × L + B मतलब 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर आ गया 156 ठीक है। पता लगा, हुण देखो सैकेंड क्वेश्चन आ ठीक है, आप करने हुण इत्थे भरो 2 इनू भरो, देखो आ फार्मूला हुंदा, आ देखो 2 इधर गुणा वा उधर जाके की हो जाना डिवाइड, इत्थे पा के रह गया तुहाडा L + B, आ 2 गुणा उधर जाके हो गया डिवाइड ठीक है। इहदी डिवाइड करो, ये आ जाना 7 × 14 ते फिर 7 × 14 77 किन्ना होना 77, ये आ गया तुहाडा 77 ठीक है। पता लगा 7 × 14 7 × 14। हुण देखो L + B, एल साडी किन्नी आ उह भर दो, एल किन्नी आ 2x + 2 ठीक है, फिर b कितना प्लस कला x बराबर इधर कटिया तो कितना आया 77 ठीक है। आ देखो इधर कितना आ गया 2x ते 1x कितने हो गए 3x प्लस 2 जिहड़ा आ उधर जाके कदा हो जाना इधर की है 77, आ जिहड़ा प्लस 2 आ उधर जाके की कर दो, इहनूं पहले इत्थे लिखो 2x ते 3x प्लस 2 इधर बन गया इधर कितना 77 ठीक है। 3x हुण तुसीं की करना 3x वक्रा कर लो, 77 विचों 2 जाके की हो गया माइनस ठीक है, ये आ गया 3x बराबर 75 ठीक है। पता लगा हुण की आ गया तुहाडा एक्स बराबर आ जाना 75/3, इहनूं जदों डिवाइड करोंगे आ जाना 25 ठीक है। ओके एक्स बराबर 25, हुण थले रह देना देयरफोर एक्स की सी, देखा आप मैंने चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी, देयरफोर पा स्विमिंग पूल दी चौड़ाई बराबर एक्स बराबर कितनी आई है 25 मीटर ठीक है, तो लंबाई पूल दी लंबाई बराबर 2x + 2 इदा लिखा ना, 2x कितना 2 × x कितना वा 25, 25 + 2 25 × 50 तो 52 मीटर ओके। ये हो गया तुहाडा क्वेश्चन, इहनूं पहला उपरों नोट करो इत्थों थोड़ा जिहा।
सेकंड क्वेश्चन आप ठीक है, तो बाद चले नोट कर लेना। ओके डन, अगले सवाल।